नमस्कार, मैं हूँ संजीव कपूर। आपका संडे कैसा है? मेरा तो बड़ा अच्छा संडे होता है। सुबह सुबह उठो, हर रोज मुझसे काम करवाते हैं, चाइल्ड लेबर इसको कहते हैं। और क्या, बच्चों को जान लोगे क्या? सुबह सुबह उठ के कहते हैं कहाँ जा रहे? रेडियो स्टूडियो में। क्यों? खाना बनाने। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि कभी आप घर में भी खाना बनाया करो। फिर लोग मुझे पूछते हैं कि आप घर में खाना बनाते हो क्या? घर में कैसे खाना बनाऊंगा अगर मैं रेडियो सिटी के स्टूडियो आया हूँ आपको सिखाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, कंप्लेन नहीं करते, खाना बनाते हैं। खाना और गाना रेडियो सिटी पर इन एसोसिएशन विद फूड फूड। तो आज क्या बनाया जाए? आज एक काम करते हैं, आज आपको मैं लेके चलता हूँ। मौसम इतना बढ़िया है, तो इस बढ़िया मौसम में बारिश आनी शुरू हो गई है। और बारिश में लोग कहते हैं कि फिश की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। भाई कम हो जाती है, लेकिन जीरो तो नहीं हो जाती ना। बाजार में जाके देखिए, मिल रही है। और गोवा लेके चलता हूँ आपको। बारिश में गोवा का मौसम जो मजा है वो कुछ और है। तो गोवन फिश करी बनाते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, मीडियम साइज की पॉम्फ्रेट 400 ग्राम, 600 ग्राम जो मिल जाए आपको, दो पीस वो ले लें। और ये फिश आपको चाहिए तो उसको अच्छी तरह से साफ करके आप लेके आए, अच्छी तरह से रख दें। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गोवन स्टाइल फिश है वो किस तरह से बढ़िया बनती है। हाँ, एक और चीज चाहिए, नारियल भी चाहिए। हाँ, तो नारियल चाहिए, फिश चाहिए, बहुत सारी और चीजें चाहिए। संडे का दिन है, प्यार से मिलके साथ में बनाएंगे गोवन फिश करी, बढ़िया सी टेस्टी डिलिशियस, और मजा आएगा। और ग्रेवी अलग होगी, फिश अलग होगी। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ ग्रेवी अलग होगी, वो इसलिए क्योंकि वेजिटेरियन लोग है ना, वो भी अगर उनको कुछ खाना है फिश के बिना वाला, तो वो थोड़ा सा कर सकते हैं ना। एक सब ख्याल रखना पड़ता है, कैसे ख्याल रखेंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सब कुछ होगा। गाना भी सुनिए, खाना भी बनाइए, सब कुछ मेरे साथ यानी संजीव कपूर के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी। तो फिश आपने ली, पॉम्फ्रेट फिश अच्छी तरह से साफ करवा के उसको लंबा आपने काटना है विद बोन। जी हाँ, बढ़िया ऐसी बनती है गोवन फिश। ओके, और फिर आपने एक काम करना है, और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए वो भी आप जरा ध्यान से इकट्ठा कीजिए। तेल चाहिए, तेल तो आपके पास में है ही। एक मीडियम साइज का प्याज चाहिए, उसको चॉप कर लेना है। ओके, छील के चॉप करना है। और दो हरी मिर्च, उसको लंबा काट लेना है, डंडी तोड़िए उसकी, धो के लंबा काट लीजिए। विनेगर चाहिए, मॉल्ट विनेगर, वो थोड़ा सा ब्राउन सा जो विनेगर आता है ना, वो वाला। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कहीं देखी कुकरी शो में, कभी कहीं सुनी, फिर पूरी बॉटल ले आए, फिर रख दी, समझ नहीं अब इसका करें तो करें क्या। बहुत सारी सॉसेज ऐसे इकट्ठे हो जाती है, मॉल्ट विनेगर भी मैंने देखा लोगों का ऐसे ही होता है। चलो कोई बात नहीं, आज इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं है घर पे तो जाके ले आओ। हाँ चलो, और क्या चाहिए? एक और इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, एक पेस्ट बनानी है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? मसाले हैं एक्चुअली। मसालों में चाहिए हमें 2 छोटे चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच धनिया, धनिया के सीड्स, उसके साथ साथ 6 सूखी लाल मिर्चें, गोवन वाली, कश्मीरी वाली, अच्छा जिसका रंग लाल हो वो वाली, ज्यादा तीखी वाली नहीं चाहिए। और चाहिए नारियल, नारियल तो चाहिए होगा, फ्रेश नारियल चाहिए। और एक छोटा मतलब करीब 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लें, छीलें उसको और उसको चॉप कर लें। और लहसुन चाहिए, हाँ लहसुन करीब 10-12 कलियां, ये भी मतलब रफली चॉप करके चाहिए। और इसमें थोड़ा सा खटाई भी डालेंगे, और खटाई इमली की, इमली की खटाई। तो इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, फिश को आपने साफ करके उस पे थोड़ा सा नमक लगा के आप उसको आपने रख देना। और फिर अब क्या करना है हमने, उस पे जरा सा एक काम करें, नमक और चाहे थोड़ी हल्दी भी लगा के छोड़ दीजिए उसको। चलिए अब क्या करना है, अभी तो गाना सुनना है, गाने की बारी आ गई। चलिए जब तक ये बाकी का आप काम करें, सफाई करके रखें, गाना भी सुनते रहिए, किचन से बाहर मत जाइए। क्यों नहीं जाइए? क्योंकि और भी तो अभी बताना है कि कैसे बनेगी ये डिश। ये डिश है बड़ी, फिश की डिश बनेगी गोवन फिश करी। सुनते रहिए खाना और गाना, मैं हूँ संजीव कपूर इन एसोसिएशन विद फूड फूड, ओनली ऑन रेडियो सिटी। चलिए आज की ये जो रेसिपी है, ये आप कौन सी रेसिपी है? बिल्कुल, तो ग्रेवी के लिए क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए थे, मसाले वाले 2 छोटे चम्मच जीरा लीजिए, और एक पैन को गरम करके उसमें डालिए, नॉनस्टिक पैन,
उसमें तेल वेल की कोई जरूरत नहीं है इसमें, और दो बड़े चम्मच धनिया सीड्स, इसको ड्राई रोस्ट आपने करना है। दोनों चीजें आपने ड्राई रोस्ट कर ली और खुशबू आने लग जाए तो निकाल के रख लीजिए, थोड़ा सा ठंडा कीजिए उसे। और नारियल जो है, नारियल को स्क्रेप करना है। तो नारियल में क्या होता है, एक तो बाहर का मतलब जो आप खाते नहीं है वो होता है, लेकिन बीच में से जो नारियल की गिरी होती है उसके ऊपर एक ब्राउन सी हार्ड स्किन होती है जो आप खा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें वो ब्राउन चाहिए नहीं, तो इसलिए नारियल को स्क्रेप करके सिर्फ व्हाइट पार्ट जो है वो स्क्रेप करना है। तो नारियल वाले कोकोनट स्क्रेपर मिलते हैं, ठीक है, वो आप लेके उसको स्क्रेप कर लें। तो नारियल आपने स्क्रेप कर लिया और अब आपने पेस्ट बनानी है। तो पेस्ट में क्या क्या करना है, जो लाल मिर्च है बढ़िया कश्मीरी लाल मिर्च वो लेकर उसमें से उसके बीज निकाल लें, अदरक लहसुन दोनों छिले हुए, उसके साथ साथ उसमें जीरा जो भुना है हमने और धनिया पाउडर जो भुना है ये आपने लेकर, उसमें थोड़ा सा इमली का पल्प और पानी डालकर इसकी एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेनी है। उसके अंदर नारियल भी, हाँ नारियल डाला था या नहीं डाला था, नहीं डाला तो प्लीज नारियल डाल के पीसिए। अब इसके साथ में अगर चावल आपने खाने हैं ना तो रेड राइस मोटे वाला, बड़ा ग्रेवी एकदम सोख लेता है चावल के अंदर, वो वाले चावल चाहिए। और ये ग्रेवी के लिए पेस्ट तैयार हो गई, चावल आपने तैयार कर लिए। फिश पे हमने पॉम्फ्रेट फिश ली थी जिसके स्लाइसेस लेके नमक और हल्दी उस पे लगा के रखी हुई है एक पैन के अंदर, नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें, इसमें जो एक छोटा सा प्याज आपने चॉप किया था उसको हल्का सा सौते करना है, ज्यादा लाल नहीं करना, और फिर इसके अंदर आपने वो जो स्लिट ग्रीन चिलीज हैं वो डालनी है, और उसके बाद में जो पेस्ट हमने बनाई है, अब ये ऑरेंजिश सी पेस्ट हो जाएगी क्योंकि तो ये प्याज जो पकाए उसके अंदर हरी मिर्च डाली, फिर उसके अंदर ये पेस्ट डाली, पेस्ट डालकर अब इसके अंदर इसको थोड़ी देर तक पकने दें, और फिर इसमें आप करीब 1.5-2 कप पानी डालिए। पानी डाल के अब देखिये क्या बढ़िया रंग इसका आ गया है। तो फिश लेकर अब आपने एक काम करना है कि जब ये हल्की सी जब उबलने लग जाए ग्रेवी तो जो फिश के पीसेस हैं वो फिश के पीसेस प्यार से इसके अंदर डाल दीजिए। फिश को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो इसलिए ज्यादा पकाएं भी नहीं। फिश डालेंगे, चावल पक रहे हैं हमारे, ये सारे काम हम करेंगे, लेकिन एक गाना तो बनता है ना। तो चलिए गाने का इंतजार खत्म हुआ, गाना आया खाना गया, नहीं नहीं खाना भी है गाना भी है दोनों है, मैं भी हूँ आप भी हैं, सब कोई है रेडियो सिटी पर इन एसोसिएशन विद फूड, फूड ओनली ऑन रेडियो सिटी। गाना गाने वाले जो हैं वो तो आके अपना बढ़िया से स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं, म्यूजिक देते हैं, सब कुछ करते हैं और आप बड़े प्यार से सुन लेते हैं, और खाना जो है वो उसी तरह से आप बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और फिर कई बार घर वाले कहते हैं ये क्या बनाया आज कैसा है, तो अगर ऐसा कोई घर में है ना उनको बोलो आप खुद बना लो, फिर पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। चलिए अब इतनी मेहनत से फिश करी बना रहे हैं गोवन स्टाइल की, तो अब देखिए मीडियम हीट पे पक रही है फिश जो है गोवन स्टाइल की, नारियल के साथ में हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, और ये कैसा इंग्रेडिएंट, नाम है उसका नमक, नमक स्वाद अनुसार, और चक्के देख लीजिए बराबर है या नहीं है। 5-7 मिनट बस फिश को पकाना है, चावल एकदम गर्मा गर्म उबले हुए होने चाहिए, और बस दोनों चीजों को साथ में खाना है। आहा, ग्रेवी का जो टेस्ट है, हाँ इसमें जो फिश है वो एकदम बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, फिश जो है अगर फ्रेश नहीं होगी तो ये डिश बढ़िया नहीं बनेगी। अब फिश इसमें तो मैंने तो पॉम्फ्रेट कही है, आपको जो अच्छी लगे ना, जो आपको आसानी से मिले वो डाल के बना लो, क्या फर्क पड़ेगा। खैर ये रेसिपी आपको कैसी लगी बताइए, हमें शेयर कीजिए, सबके साथ में शेयर कीजिए, और आपको कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी जरूर बताइए, कौन से गाने चाहिए वो भी बताइए। खाना और गाना है, साथ में मिलके खाएंगे गाएंगे मजे लेंगे। आज मैं घर जाके खाना मुझे बनाना है, अभी यहाँ पे तो आपके लिए बना दिया, अब घर जाके बनाना है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले संडे को, तब तक नमस्कार, गुड नाइट, गुड नाइट क्यों, गुड आफ्टरनून, और इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा हमारा खाने और गाने का, आपकी किचन में मैं आपके साथ में रहूंगा हमेशा, ओनली ऑन रेडियो सिटी।